नमस्कार दोस्तों, भास्कर टुडे में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान इस वक्त की बागपत की बड़ी खबर आपके बीच लेकर आया हूं, जहां लगभग एक सप्ताह पूर्व से ही तेंदुए की जो दहशत है वो साफ तौर पर यहां देखी जा रही है। मैं बात करूंगा, मैं इस समय हूं अमीनगर सराय क्षेत्र के जो हिसावदा गांव का जंगल है, जहां कल सुबह तेंदुआ देखा गया है। यहां वो लोग हैं, यहां जो कंडीशन है, आए हैं जानने जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट पर कि किस तरीके से यहां तेंदुआ देखा गया है। और यहां कुछ लोग हैं, ये आ रहे हैं, इनसे जानेंगे कि यहां की स्थिति क्या है, तेंदुए को लेकर किस तरीके का है, लोगों में जो डर है, खौफ है क्या। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे सर। हाँ जी, नरेश कुमार, गाँव हिसावदा। नरेश जी, तेंदुए की स्थिति बताई गई है, तेंदुआ यहाँ देखा गया, क्या ये कितनी बात सच है? ये बात बिल्कुल सच है जी। कल जो है हमारे गांव के एक आदमी ने देखा और उसका नाम रामपाल है और शिकार उसके मुंह में था। अच्छा। हाँ, हमने गांव में ऐलान भी कराया और चारों तरफ खबर भी पहुंचाई, कोई बच्चा पढ़ने उड़ने जाए, कोई दिक्कत ना आए। तो नरेश जी, एक मिनट आप इसे रोकेंगे बात को, लेकिन महिलाएं भी हैं, इनसे जानेंगे, खेत में काम करते हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला। क्या देखते हैं आपके यहाँ क्षेत्र में तेंदुए का नाम की यह दहशत या किसी तरीके का? हाँ जी, जिक्र सुना है कि भरे में पाया गया था और जी मास्टर नाम का है, उन्होंने देखा। अच्छा, भरे में पैरों के निशान है। हाँ, पैरों के निशान और लेटा हुआ तेंदुआ, लेटा हुआ देखा गया। लेटा हुआ देखा गया। क्या कहोगे अम्मा? पानी बलाने आया था, उनने देखा, हमें डर लग रहा, वहाँ डांगर भी भूखे मरे लग रहे, न्यार के बिगर हमें डर लग रहा। अच्छा, खेतों में आना कम हो गया? हाँ, कम हो गया हमारा खेतों में आना। तो गांव में मुनादी या कुछ जानकारी दी जा रही है? कुछ भी नहीं हो रहा अभी यहाँ से, अधिकारी कोई आ नहीं रहे। नहीं, तो आप देख सकते हैं, खुद कहा है कि यहाँ खुद तेंदुआ देखा गया, यानी खेत के रास्ते में बैठा हुआ देखा गया। और जानेंगे नरेश जी से। नरेश जी, इसके अलावा क्या बार कितने लोगों ने देखा है तेंदुआ, कितने दिन से ये मामला चल रहा है? लगभग एक हफ्ते से यहाँ गांव में चर्चा है। हाँ। और दो तीन दिन से तो काफी लोगों ने देख भी लिया। अच्छा। और इसके पंजे के निशान खाड़ू में ट्वेल पे कई जगह मिले हैं। अच्छा। और दहशत पूरी है, न्यार लेने भी 40-50 लोग आए हैं और इसके अगल बगल में ज्यादा है, इनकी संख्या एक दो नहीं है। अच्छा। ज्यादा संख्या में है। लगभग कितनी संख्या आप समझ पा रहे हैं? मेरे हिसाब से तो हमारे क्षेत्र में 4-5 तेंदुए तो जरूर है, अगर ज्यादा भी नहीं है तो 4-5 तेंदुए हैं। इंसान की जान को कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है, क्या अधिकारियों ने कोई रुचि नहीं ली? अभी कोई रुचि नहीं हुई जी। अच्छा। एक हफ्ते से कोई इसमें कोई वो नहीं हुआ, बस आवे अब चले जा, कोई देखभाल करने का। स्कूलों में जो ट्यूशन में बच्चे, हाँ बच्चे जाने बंद हो गए, अपने अपने बच्चे रोक लिए शाम के टाइम, दोपहर में जो 2-3 बजे बच्चे जाए ट्यूशन में, 4 बजे तो कोई बच्चा नहीं जाता। अच्छा। हाँ, सब घर पे रोक गए। तो एक बड़ा सवाल है, हिसावदा में 4-5 तेंदुए बताए गए हैं और जो यहाँ के लोग हैं वो दहशत में कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। किसान मजदूर तमाम लोग परेशान है, लेकिन बागपत का प्रशासन जो वन विभाग गए वो कब इस पर सुध लेगा और कब इन लोगों की जो तेंदुए से सुरक्षा बढ़ाएगा और जो तेंदुए यहाँ घूम रहे हैं कब उनकी पकड़ होगी, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से एक हफ्ता से चर्चाओं का विषय बना हुआ है, हालांकि कुछ जगह बताई गई है कि तेंदुआ है कहीं और दूसरी जगह भी उसके नमस्कार। वर्तमान में जनपद बागपत में तेंदुए के विचरण की विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। विभिन्न प्रकार के फोटो और वीडियो को ही जनपद बागपत से संबंधित बताकर सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है। मेरी जन सामान्य से अपील है कि किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर हमसे संपर्क करें एवं बिना पुष्टि के किसी भी सूचना को सोशल मीडिया पर न डालें, जिससे अनावश्यक भय का माहौल न व्याप्त हो।